Alhamdulillah. Tomorrow night, I'm gonna smash your boy, guys. I'm gonna smash your boy. हेलो गाइस, इस बात पे तो कोई शक नहीं है कि एमएमए दुनिया का शारीरिक और मानसिक रूप से सबसे ज़्यादा ब्रूटल स्पोर्ट है। एमएमए की हार एक चेस या सॉकर में मिली हार से काफ़ी अलग होती है और इस मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूएफसी का कोई बेताज बादशाह है तो उसका नाम है खबीब नर्मागोमेदोव, एक अनडिफीटेड फाइटर जिसने अपने करियर में 29 लड़ाइयाँ लड़ी और सारी की सारी जीती। 23 साल की उम्र में अपना यूएफसी डेब्यूट करने वाले इस रशियन लड़की की कहानी अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। तो देखते हैं कैसे एक इंसान दागिस्तान के पहाड़ के छोटे से गांव से लास वेगास के टी मोबाइल एरिना तक पहुंच गया। खबीब नर्मागोमेदोव यूएफसी के पहले रशियन बॉर्न चैंपियन है, पहले मुस्लिम चैंपियन है। अपने सिग्नेचर स्टाइल में वो अपोनेंट के ऊपर अपना वजन डालते हैं, उनको थकाते हैं और टेक डाउन करने के बाद तोड़ना शुरू। खबीब का जन्म दागिस्तान के गाँव सिल्डी में 1988 में हुआ था। दागिस्तान रशिया का सदर्न मोस्ट पार्ट में आता है। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 25 लाख है। इसे माउंटेन ऑफ लैंग्वेजेस भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ लगभग 40 एथनिसिटीज यानी जातीयता के लोग रहते हैं। कभी बचपन से ही एक एक्टिव चाइल्ड थे। स्ट्रीट फाइट्स में इन्वॉल्व होना, भालू से लड़ना उनके बचपन की यादों में आता है और जैसे कि मोस्ट ऑफ द दागिस्तानी लोग करते हैं, खबीब ने भी अपनी ट्रेनिंग छोटी सी उम्र में शुरू कर दी थी। खबीब के पिता अब्दुल मनप नर्मागोमेदोव ने अपने डबल स्टोरी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर को जिम में कन्वर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ के बच्चों को रेसलिंग करते हुए देख खबीब की रेसलिंग की दुनिया में रुचि जागी। खबीब को ये स्किल सिखाने वाले उनके पिता ही थे, जो कि सोवियत आर्मी के वेटरन और दागिस्तान की कॉम्बेट सांबो टीम के हेड कोच भी थे। कॉम्बेट सांबो रेसलिंग में हेडबट यानी सिर मारना, बिलो द बेल्ट ग्रोइन स्ट्राइक और सॉकर किक्स लीगल होती हैं, पंचेस, किक्स और एल्बोस के अलावा। 20 साल की उम्र में खबीब ने अपना एमएमए का डेब्यूट किया। एक महीने में लगातार 4 फाइट जीती और आने वाले 3 साल में कंटिन्यूस 16 फाइट जीतकर खबीब ने यूएफसी के तीतर प्रेसिडेंट डेना वाइट के रडार में आए हो। 2011 में यूएफसी से साइन होने के बाद खबीब ने अपनी लगातार 3 फाइटें जीती। चौथी फाइट में खबीब ने एबल ट्रहीलो के खिलाफ 3 राउंड यानी 15 मिनट के अंदर 21 टेकडाउन कंप्लीट करके यूएफसी का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले ये रिकॉर्ड 5 राउंड के 25 मिनट में 16 बार अपने ओपोनेंट को ऑक्टागन में गिराने वाले यूएसए के शॉन शर्क के नाम था। इसके साथ ही खबीब ने मीडिया और फैंस के सामने अपनी प्रेजेंस दिखा दी। खबीब को अपनी पहली फाइट के लिए $16,000 यानी लगभग 11 लाख रुपये मिले थे। 2014 में खबीब ने राफेल डोस एंजोस को हराया, जो कि आगे जाके यूएफसी के चैंपियन बने। इसके बाद डैरेन हॉर्चर, माइकल जॉनसन, एडसन बारबोसा और फाइनली एलेक क्विंटा को हराने के बाद 2018 में खबीब ने अपना लाइटवेट टाइटल जीता। इस समय तक खबीब ऑलरेडी एक स्टार बन चुके थे। उनको क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनार्डो डिकैप्रियो, डेविड बेकम जैसी सेलिब्रिटीज के साथ देखा जा चुका था। बट ये खबीब की अगली फाइट थी जिसने खबीब को स्टार से मेगा स्टार बना दिया और ये फाइट थी नन अदर देन यूएफसी के सुपरस्टार कॉनर मैकग्रेगर के साथ। और ये खबीब के करियर की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और पर्सनल फाइट थी, क्योंकि कॉनर ने खबीब के पिता के बारे में बोला था, उनकी वाइफ और उनके कल्चर के बारे में भी बहुत टिप्पणियाँ दी थी और इसके साथ बहुत हाई वोल्टेज पर्सनल ड्रामा हुआ। भले ही खबीब अभी तक अपने करियर की सारी फाइट जीत चुके थे, बट काफ़ी लोगों और एमएमए एक्सपर्ट्स का मानना था कि खबीब ने अभी तक एक हाई लेवल के यूएफसी फाइटर से मुकाबला नहीं किया है। इस वजह से खबीब की रेपुटेशन दाव पे थी और डबल चैंपियन रह चुके कॉनर को हरा के खबीब को वो रिस्पेक्ट मिल जाती जिसके वो हकदार थे। और वो नाइट आई जब पूरा स्टेडियम कॉनर के फैन से भरा था। खबीब की रेसलिंग अच्छी थी और कॉनर की बॉक्सिंग। खबीब ने कॉनर को बॉक्सिंग और रेसलिंग दोनों के फील्ड में हरा के अपने आप को साबित किया। इस जीत के बाद ही खबीब की पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेट हो गई, जहां फाइट से पहले उनके 1.5 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स थे, वहीं फाइट के बाद 24 घंटे के अंदर उनके 30 लाख फॉलोअर्स हो चुके थे। उनके वीआईपी ट्रीटमेंट का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि फुटबॉल के प्रीमियर लीग जैसे बड़े टूर्नामेंट के हाई प्रोफाइल लिवरपूल मैच में उनकी सीट 30 साल से हॉलीवुड में धाक जमाए ऑस्कर विनर और 3-टाइम ग्रैमी विनर लियोनार्डो डिकैप्रियो से आगे थी।
इसके कुछ टाइम बाद ही खबीब को दुनिया के सबसे प्रबल और शक्तिशाली लोगों में से एक रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपने ऑफिस में बुलाया। अपनी अगली दो फाइट्स 2019-20 में खबीब ने डस्टिन पोरियर और उनके करियर का सबसे कठिन चैलेंज माने जा रहे जस्टिन गेजी को हराया। इस फाइट के लिए खबीब को $6 मिलियन यानी कि 44 करोड़ रुपये मिले। जीतने के बाद खबीब ऑक्टेगन में रोने लगे क्योंकि कोरोना की वजह से मई 2020 में खबीब ने अपने 57 साल के पिता को कोविड और हार्ट डिजीज़ की वजह से खो दिया था। इस वजह से वो फाइट में आने से पहले बहुत इमोशनल थे। वो उनके लिए सिर्फ पिता ही नहीं, ट्रेनर और लाइफ मेंटर भी थे। खबीब ने अपने ज़्यादातर समय अपने पिता के साथ बिताते थे। इस फाइट के बाद खबीब ने 32 साल की कम उम्र में रिटायर होने का फैसला लिया। खबीब अपना बचा हुआ समय अपनी माँ और अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहते थे। 2014 में बैक टू बैक इंजरीज होने के बाद घुटने के लीगामेंट और रिब केज टूटने के बाद खबीब के वो पिता ही थे जिनने उनको हिम्मत दी थी। खबीब 2014 में अपना करियर ख़त्म करके सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसर की जॉब लेना चाहते थे। खबीब के पिता ने कहा कि यहाँ तक पहुँचने में बहुत साल लगे हैं, अब वापस मुड़ने का कोई मतलब नहीं होता, और इमोशनली और फाइनेंशियली उनको सपोर्ट किया। आज खबीब के पास $30 मिलियन यानी 2 अरब से ज़्यादा रुपया है, 1.5 करोड़ की मर्सिडीज़ बेंज और 4 सेकंड के अंदर 100 किलोमीटर/घंटे की स्पीड पकड़ने वाली फरारी है, BMW, लैंड क्रूज़र, 2.5 करोड़ से ज़्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। पर यह सब आसान नहीं था। 5 साल की उम्र में उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। 13-14 साल की उम्र तक वो हमेशा 5वें और 6ठे आते थे। खबीब को वेट कट में भी बहुत परेशानी आती थी, जहाँ फाइटर डिहाइड्रेट होके सोना बात लेके अपने शरीर के अंदर पानी के वजन को कम करता है। खबीब को टाइटल शॉट 2015 में मिला था, लेकिन उस समय के चैंपियन एडी अल्वारेज ने ज़्यादा पैसे के लिए वो फाइट ठुकराई। इंजरीज की वजह से टोनी के साथ 5 बार फाइट कैंसिल हो गई। मगर इन सब परेशानियों के बावजूद खबीब UFC के सबसे ज़्यादा हम्बल, नम्र और डाउन टू अर्थ लोगों में से एक हैं। ये वो इंसान हैं जो अपने अपोनेंट की चैरिटी को अपनी शर्ट बेचकर फाइनेंशियल मदद देते हैं। खरीदने को पूरा रेस्टोरेंट है मगर अपने चीज़ बर्गर में चीज़ ना हो तो कंप्लेन ना करते हुए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ स्माइल करते हुए खाते हैं। खबीब नर्मागोमेदोव वापस आए या ना आए ये कोई नहीं जानता, बट ये जरूर है कि उन्होंने अपने आप को MMA की दुनिया के महानतम फाइटर के रूप में से एक के रूप में स्थापित कर लिया है।